इस यहाँ पर अगर स्विमिंग आप लोग आ रहे हैं इसका फूड का मजा लेना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आना पड़ेगा। वेलकम टू मेरिना रिसोर्ट। मॉर्निंग 11 बजे से शाम को 7 बजे तक होने वाला है। बाकी स्टार्टर में आपको डेली चेंज होने वाला है। ये पटना के बहुत सबसे बड़े यूट्यूबर का देखिए यहाँ पर शादी होता है मयंक भैया का। एक स्पेस कितना है, शादी वगैरह हो, एंगेजमेंट हो, एनिवर्सरी हो, कोई पार्टी आपको करना हो तो यहाँ आप लोग विजिट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस पटना स्टेशन के पास है, यहाँ पर V2 है, महाराजा कामलेश्वर कॉम्प्लेक्स में। इसी में हम लोग जाने वाले हैं अलीना रिसोर्ट में। इसके पहले भी यहाँ पर ब्लॉग बना चुके हैं बट आज ये कुछ स्पेशल है तो लास्ट तक ब्लॉग बने रहिए, चल के आपको दिखाते हैं। ऊपर देख सकते हैं महाराजा कामलेश्वर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर अलीना रिसोर्ट ऊपर जाना है, लिफ्ट से जाना है, अंदर चलते हैं। अलीना रिसोर्ट में जाएंगे, 5th फ्लोर पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर से लिफ्ट है, अलीना रिसोर्ट जा रही है 5th फ्लोर पर। चलिए यहाँ पर लिफ्ट क्लिक कर दीजिए, खुलेगा। तो अभी गाइस हम लोग देख सकते हैं स्विमिंग पूल में, ये अलीना रिसोर्ट का है। यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार ऑफर भी चल रहा है, स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट की इसको बोल सकते हैं। देखिए आपको स्टार्टर मिलने वाला है, मॉकटेल मिलने वाला है 399 रुपीज़ में सिर्फ। अभी जून का महीना है तो बहुत अच्छा चल रहा है कि आप लोग आइए स्विमिंग करिए और साथ में स्टार्टर और अपना मॉकटेल का मजा भी लीजिए। तो ये आपको टाइमिंग मिल रहा है कि 11 मॉर्निंग 11 बजे से शाम को 7 बजे तक होने वाला है। बाकी स्टार्टर में आपको डेली चेंज होने वाला है, स्टार्टर में कुछ भी आपको मिल सकता है। तो मॉकटेल में आपको 2 टाइप का मॉकटेल मिलने वाला है, 7 दिन वीक में आइएगा तो 7 दिन चेंज होकर मिलने वाला है। ऐसे ही आप लोग तैरते हुए आइएगा, अपना तैरते हुए अपने फूड का एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर अगर स्विमिंग आप लोग आ रहे हैं इसका फूड का मजा लेना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आना पड़ेगा या फिर आपको ऐसे ही ड्रेस में आना है। तो अंदर तो जाना नहीं मिलेगा बट यहाँ पर बैठ के आप लोग स्टार्टर ये सब ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर कुछ खाने वाला, देखिए पानी में डूबा हूँ, आके भाई पानी में डूब गए हैं। आपको पहली बार ऐसा दिखने वाला है पटना के अलीना रिसोर्ट में, तो जल्दी से जल्दी आइए, ऑफर अभी चल रहा है। 399 में 2 घंटे आपको मिलने वाला, फिर से बता रहे 399 में 2 घंटे मिलने वाला और उसी में सब मिक्स रहेगा, इसका अलग से आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर इसमें आपको उतरना है तो स्विमिंग सूट लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कपड़े में तो भाई फिर पूरा भीग जाइएगा और पानी गंदा भी हो जाएगा, स्विमिंग सूट ही बढ़िया रहता है। पानी का लेवल यहाँ पर कम है, आगे जाइएगा तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए आपको लग रहा है बहुत कम है, ऐसा नहीं है, आगे जाइए तो पूरा डूब जाइएगा। तो बाकी आप लोग लेट कर खड़े होकर जैसा फूड का एंजॉय करने करिए, पटना में पहली बार मिलने वाला, कहीं भी आप लोग चलिए कहीं आपको चैलेंज करते कहीं आपको नहीं दिखेगा पटना में। तो लोकेशन गाइस आप लोगों को बता देते हैं, ये डा बंगला चौराहा पटना स्टेशन, उसके बीच में है अलीना रिसोर्ट, V2 मॉल है, V2 के ऊपर है महाराजा कामलेश्वर कॉम्प्लेक्स, 5th फ्लोर पे, याद रखिए। इसके पहले भी हम ब्लॉग बना चुके हैं, अगर आप लोग ब्लॉग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए गाइस बाकी आपको स्विमिंग का दिखा दिए तो ऑफर चल रहा है और आपको दिखा देते, देखिए अभी काम चल रहा है यहाँ पर, एंगेजमेंट वगैरह एनिवर्सरी वगैरह आप लोग अपना करवा सकते हैं, काफी स्पेस है यहाँ पर है, फिर आगे जाके आप लोग बैठ सकते हैं। डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, देख लीजिए, ये लीजिए लाइट वगैरह देखिए हो रहा है, समर टाइम पूरा व्यवस्था किया गया है, लाइन से चेयर टेबल बहुत एकदम रॉयल लगने वाला है, यहाँ से फोटो वगैरह आप लोग क्लिक कर सकते हैं। स्टेशन का आपको व्यू दिखने वाला है यहाँ से, यहाँ पर देखिएगा लाइन से बैठने के लिए टेबल चेयर, इसके पहले भी देखिए व्लॉग बना चुके हैं दिखाए थे, आगे चल के आपको तो दिखा देते हैं कितना अच्छा व्यू मिलने वाला है। तो देख सकते हैं थोड़ा शाम होने लगा, अंधेरा, कितना अच्छा लगा, देखिए ऊपर लाइट भी लगा हुआ है और यहाँ स्विमिंग के पास भी देखिए पूरा चारों टाइप लाइट लगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैंने लाइट ऑफ में मैंने करवाया, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, बाकी बहुत अच्छा आपको शाम के टाइम आइए बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। शाम को 5 बजे के बाद आइए, 6 बजे के बाद तो बहुत अच्छा मिलेगा, दोपहर देखिए, लेकिन खुला रहेगा 11 बजे से, जो मैंने अभी आपको ऑफर बताया 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। स्पेस कितना है, शादी वगैरह हो, एंगेजमेंट हो, एनिवर्सरी हो, कोई पार्टी आपको करना हो तो यहाँ आप लोग विजिट कर सकते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर से आपका व्यू, फोटो सेल्फी लेना लड़कियों को ज़्यादा शौक है तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। यहाँ से आपको बुद्धा स्मृति पार्क दिखने वाला, देखिए कितना अच्छा व्यू है, ये सब आपको पटना स्टेशन के पास दिखने वाला, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पर बैठ के फोटो सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं, देख लीजिए बुद्धा स्मृति पार्क को दिख रहा होगा यहाँ पर स्टेशन के पास। लोकेशन फिर से आपको बता देते हैं, बहुत अच्छा व्यू आपको मिल रहा है, बुद्धा स्मृति पार्क है, वहीं पर सामने V2 है, इसी के ऊपर आपको 5th फ्लोर पे आना है, अलीना रिसोर्ट है। इसके पहले भी यहाँ पर ब्लॉग बना चुके हैं, शादी हो, एंगेजमेंट हो या कोई भी आपको किसी तरह का पार्टी करना हो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी आपको बुकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, बार बार पब्लिक पूछते हैं नंबर नहीं दिए, नंबर नहीं दिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप लोग कोई बात करना हो, मतलब बुकिंग वगैरह करना हो तो आप लोग बात कर लीजिए। ये गाइस देखिए गोल गोल जैसे बना हो, कितना खूबसूरत है, ये कपल लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब नाइट में लगेगा, कैंडल आर्ट डिनर में आया, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा आपको 2-3 दिखने वाला है, एक यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा। तो कपल लोग या फैमिली हो वो भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, बुकिंग वाला जैसे मैं आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप लोग बात कर लीजिएगा, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है।
तो स्विमिंग वाला का जो आपको दिखा दिए, पार्टी वाला का ना पूरा स्पेस है आगे से, यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर बगल में कैफे रेस्टोरेंट का भी सेक्शन, ये जो शीशा देख रहे हैं इसके अंदर जाने का यहाँ पर से दरवाजा है, यहाँ आपको लेके चलते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट वाला सेक्शन हो गया, देख लीजिए वो स्पेस बहुत ज़्यादा है, सोचना नहीं पड़ेगा। फैन सब कुछ लगा हुआ, एसी भी ऑन है, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है शाम का व्यू। बाकी यहाँ से आप लोग देखिए बाहर का आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे पीछे का जो अभी ये वाला सेक्शन देख रही है रेस्टोरेंट का सेक्शन है, यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिलने वाला है। पार्टी के लिए, शादी के लिए, बुकिंग के लिए अलग से स्पेस है, वो भी आपको थोड़ा दिखा देते हैं। शादी वगैरह के लिए कितना ज़्यादा बड़ा स्पेस है यहाँ पर। ये आपको तीसरे सेक्शन में लेके चलते हैं, शादी या कोई भी पार्टी करना हो, बर्थडे वगैरह, देख लीजिए कितना बड़ा स्पेस है, पूरा रॉयल लग रहा है। ऊपर देख लीजिए, आपको लगा होगा कि स्टेशन का इतना बड़ा नहीं होगा, देख लीजिए ये सब डिजाइन ऐसा में से बना ही रहता है। बाकी स्पेस देख लीजिए, 500 मतलब मेरे को लगता है 300-400 लोग आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। और पटना के सबसे बड़े यूट्यूबर का यहाँ पर शादी हुआ था, आपको थोड़ा दिखा देते हैं। पटना के बहुत सबसे बड़े यूट्यूबर का देखिए यहाँ पर शादी होता है, मयंक भैया का, इनका जायका पटना नाम का चैनल है। प्रमोशन करिए ना करिए फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही बड़ा चैनल है, मतलब 3-4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, मिलियन जल्दी हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शादी वगैरह या कोई पार्टी वगैरह करना हो या बर्थडे पार्टी या एंगेजमेंट वगैरह को, तो यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। स्पेस देख लीजिए कितना ज़्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा स्पेस, एकदम रॉयल लग रहा है। ऊपर देख रहे हैं कितना रॉयल लग रहा है। यहाँ पर एक सबसे खास बात है ना कि पिलर नहीं है, देख रहे हैं, पिलर होता है तो बहुत प्रॉब्लम और झंझट होता है, एक भी पिलर यहाँ पर नहीं है। पिलर के कारण देखिए कभी ड्रोन शॉट वगैरह आप लोग करवा रहे हैं तो यहाँ पर ड्रोन भी आराम से उड़ सकता है, पिलर का कोई झंझट नहीं रहे। 399 का फिर से बता रहे, 399 का ऑफर है, 2 घंटे तक मिलने वाला है, उसमें ये सब मिलेगा। 399 में सिर्फ स्विमिंग करना है, उसके बाद ये खाने के लिए आपको मिलने वाला है। तो पूरा आपको दिखा दिया, बहुत ही बड़ा स्पेस है, शादी वगैरह बर्थडे पार्टी या कोई मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी करना हो तो यहाँ पर आप लोग बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। फूड के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, इसके पहले ही बना चुके हैं, टेस्ट यहाँ का बहुत ही अच्छा है। चलिएगा तो फाइनली अब यहाँ से निकलने वाले हैं, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।